हे एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा चौधरी ब्लॉग। और आज है देव उठनी एकादशी, जो कि मैंने सुबह में बताया ही था कि मैंने तुलसी विवाह किया और तुलसी मैया की पूजा की और शाम में मैं दीपदान करूंगी। तो चलो, मैं आ गई हूँ घाट किनारे, जो कि मेरे घर के पास ही है। तो यहाँ भव्य आरती होती है, जो बनारस में आप लोग देखते हो ना जाके वहाँ की आरती, उसी तरह हमारे हाजीपुर में भी आरती होगी। तो चलो, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं दिखाऊंगी कि यहाँ की आरती कैसे होती है। तो दीपदान के लिए मैंने दिए ले लिए हैं, दिए में मैं चावल भर रही हूँ। मान्यता ये है कि चावल रख के दिए जलाने से हमारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे नए आए हो, तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं दिए जला रही हूँ और जलाने के बाद मैं गंगा मैया को आरती दिखाऊंगी, और आरती दिखाने के बाद मैं वो अपने दिए जो है ना, वो जल में प्रवाहित करूंगी। तो प्रवाहित करने के लिए मैंने दो दिए लिए हैं, तो दो दिए मैं जल में प्रवाहित करूंगी। मेरे सारे दिए इस डब्बे में नहीं आ रहे थे, तो मैंने तीन दिए जो बचा के रखे थे, वो गंगा मैया जो है ना, वो सीढ़ी जो बनी रहती है, तो उन्हीं सीढ़ियों पे मैंने तीन दिए रख दिए, और बाकी जो इसमें दो दिए हटे थे, वही दो दिए मैं गंगा जी में गंगा जी को अर्पण कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ घाट किनारे, तो मुझे सही से जगह भी नहीं मिल रही थी, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो देखो, मैं ये गंगा मैया को दीपक अर्पण कर दी, और चलो मैं दिखाती हूँ कि हमारे बिहार में गंगा आरती कैसे होती है।